इतने दिनों से चुप सोनू महाल अब मीडिया के कैमरों के सामने आ चुका है। सोनू महाल ने कई सारी ऐसी जानकारियां बताई हैं जिसे सुनकर अब कई सारे नए दावपेच यहां पर खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुशील कुमार के गुनाहों की दास्तान का एक एक पन्ना सोनू महाल ने खुलासा किया है, वो हम आपको तस्दीक से बताएंगे। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम 4 मई को पहलवान सागर धनखड़ और उसके दोस्तों पर हमला हुआ। इस दौरान उसके साथ काफी मारपीट की गई। इस हमले के बाद पहलवान सागर धनखड़ की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई और उनकी हत्या का आरोप सुशील कुमार के अलावा उनके कुछ साथी पहलवानों पर लगा। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड का चश्मदीद रहा सोनू महाल पहली बार सामने आया है। टीवी चैनल आज तक से बातचीत करते हुए सोनू महाल ने कहा है कि 4-5 मई की रात आखिर क्यों ओलंपिक पदक विजेता रेसलर सुशील कुमार सागर को जान से मारते हैं और उसका हाथ क्यों तोड़ा। 4-5 मई की रात सागर के साथ सोनू महाल को भी अगवा करके छत्रसाल स्टेडियम में लाया गया था। सागर और सोनू महाल दोनों को सुशील और उसके साथियों ने किडनैप करके छत्रसाल स्टेडियम में लाए। सोनू महाल का दोनों हाथ तोड़ दिया गया, उसमें रॉड लगी हुई है। सोनू को दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा भी दी हुई है। आज तक से खास बातचीत में सोनू ने कहा है कि सुशील ने उसे रात में बहुत मारा। सोनू ने कहा कि छत्रसाल स्टेडियम में वीरेंद्र कोच थे उस दौरान, जिसे मारपीट कर सुशील भगा दिया। वीरेंद्र कोच ने नांगलोई में अपना अखाड़ा खोल लिया जिसमें सागर जाने लगा और अपने साथ छत्रसाल में आने वाले 50-60 पहलवानों को भी नांगलोई लेकर जाने लगा। इस वजह से सुशील कुमार सागर से बौखला चुका था। सोनू महाल ने कहा कि 4-5 मई की रात ओलंपिक पदक विजेता के सर पर खून सवार था। सागर और सोनू समेत 5 लोगों को घर से जबरन उठाकर बंधक बनाकर ले जाया गया। एक लड़के को तब छोड़ा जब उसकी पत्नी ने पुलिस को 2 बार कॉल किया। सोनू ने कहा कि 4 मई की सुबह से ही सुशील कुमार सागर धनखड़ को तलाश रहा। सोनू महाल के मुताबिक सुशील कुमार को यह जानकारी नहीं थी कि सागर और सोनू किस फ्लैट में रहते हैं। 4 मई की देर रात सुशील और उसके साथ आए नीरज बवानिया के गुर्गों ने सबसे पहले अमित और रविंद्र नाम के 2 लड़कों को आउटर दिल्ली के इलाके से जबरन उठाया और गाड़ी में बंधक बना लिया। उसके बाद दोनों की पिटाई करते हुए सागर के फ्लैट आए। सोनू महाल के मुताबिक सुशील अपने साथियों के साथ सागर के फ्लैट पर पहुंचा और फिर सागर और सोनू को गाड़ी में बंधक बनाया और छत्रसाल स्टेडियम में हॉकी डंडों से सागर, अमित, भगत सिंह, सोनू, रविंद्र की पिटाई करने लगे। सागर और सोनू जब अधमरे हो गए तो उसे छोड़ा गया, जिसके बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया। एक खुलासा और हुआ कि उसी रात सुशील ने सागर के एक साथी भगत सिंह उर्फ भगते को पूरी रात किडनैप करके बंधक बनाए रखा और पिटाई करता रहा। लेकिन 4-5 मई की रात भगत सिंह की पत्नी ने जब दिल्ली पुलिस के 100 नंबर पर फोन किया और जानकारी दी कि उसके पति को किडनैप कर लिया गया, ये जानकारी सुशील कुमार को मिली। फिर सुशील कुमार ने वीडियो कॉल पर भगत सिंह की पत्नी से बात करवाई और भगत सिंह ने कहा कि बोलो मैं ठीक हूँ, किसी ने किडनैप नहीं किया है। भगत सिंह की पत्नी को शक हुआ, जिसके बाद फिर उसने 100 नंबर पर कॉल किया और तब जाकर सुशील से अपने पास बंधक बने भगत सिंह उर्फ भगते को छोड़ना पड़ा। सुशील कुमार पहलवान के बारे में अब जो सच्चाई आई है वो आपके रूह कपा देगी। अंदर से सच्चाई जो निकल कर सामने आ रही है उसे देखकर उसे सुनकर आप अंदर से चौकन्ने हो जाएंगे। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।